ये सीधा सामने वो देख रहे हो वो सारा शहर है, ये जिधर तक उंगली जा रही है सारा शहर है। स्प्रे और अनार कैंडल ले लिया, यहाँ से निकलते हैं और फिर फाइनल डेस्टिनेशन पहुंच के आपसे मिलते हैं। अल्लाह रहमान रहीम, खाना अपना आ गया। मोहम्मद साहब लेने गए हैं तला साहब को, अब आते हैं तो दिखाते हैं आपको। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर तलहा, हैप्पी बर्थडे। दोबारा दोबारा हां आगे ये क्या लग रहा है, रो रहा मैं? बिल्कुल नहीं, ना ना ना, मैं बिल्कुल नहीं रो रहा। सिर्फ दो घंटे सोए यार, उसके बाद उठ गए, इसलिए मेरी ये हालत है। जेल से चोर निकले हैं हम, जैसे निकले हैं घर से आपको बता नहीं सकते। अभी भी लगभग निकलते हैं, फिर आपको बताते हैं आगे जाके। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। नाश्ते के बाद मैं बताता हूँ आपको क्या क्या फिल्म चली है अपने। हम पहले बोलो बोलो, चलिए पहले नाश्ता कर लेते हैं। मैं बोल लूँ नाश्ता कर लें, फिर आपको बताता हूँ क्या सीन चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे अपना सफर स्टार्ट कर लिया, स्टार्ट नाश्ता नाश्ता कर लिया। सफर के भाव मेरा पढ़ लेते हैं, पेट्रोल पम्प पर रोक चल भाई जल्दी जल्दी जल्दी। पैर टैंकी फुल हो गई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। A few moments later. ओके करो। अच्छा जी, सफर से पहले सदका बहुत जरूरी है, तो हमने भी वही किया, नाश्ता कर लिया, पेट्रोल डलवा लिया, टैंकी फुल करवा ली और फिर रावी के पुल पे सदका दे दिया। अब हम खैर से अपनी मंजिल पर पहुँचते हैं और हम जा कहाँ पे रहे हैं, अगले एक स्टेशन पर रुकेंगे, तकरीबन कोई आधे पौने घंटे तक रुकते हैं, फिर आपको सारी डिटेल में बता देंगे कि हम जा कहाँ पे रहे हैं और कितनी देर में पहुँचेंगे, कितना सफ़र है, कहाँ कितनी क्या जगह है, क्या नहीं है। आपको पहुँच कर अगले स्टॉप पर फिर आपको सारा कुछ बता देंगे। भाई लोग, एक घंटा ड्राइव करने के बाद हमने थोड़ा सा रिलैक्स ले लिया और अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, क्योंकि मेरे साथ अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इंट्रोड्यूस करवाया नहीं, क्योंकि हमने पेट्रोल डलवाया, दस्ती निकलने की कि मैं टाइम नहीं है, आज टाइम पे पहुँचना, टाइम पे घर जाना, क्योंकि पिछली दफ़ा भी मैं बहुत लेट हो गया था। अब इंट्रोड्यूस आपका करवाते हैं, इंट्रोड्यूस क्या कराना, सब कुछ आपको पता तो है ही। ध्यान साहब ओए की कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हम जा रहे हैं रोहतास फोर्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओ ट्रैकले बस कर, ये पता नहीं क्या है भाई, हमें नहीं पता कौन सी झील है, नहर है, क्या ये नहीं पता, नजारा अच्छा है। चलो जी भाई लोग, बारिश स्टार्ट हो गई है, मौसम का हाल तो पहले पता था कि जहाँ पे हमने जाना वहाँ जाके बारिश होगी, लेकिन ये तो रस्ते में ही बारिश स्टार्ट हो गई। चलो पहुँचते हैं घर से, कहीं रुकते हैं आगे, फिर आपको बताते हैं आगे का सीन। थोड़ी ड्राइव करने के बाद थोड़ा स्टे किया, वॉशरूम आ गया था, तो मैंने कहा किसी पंप पर रुकते हैं और वॉशरूम वगैरह करते हैं, फिर आगे का सफर तय करते हैं। हाँ जी भट्टी साहब, कितना सफर आ गया? और बहुत रह गया, अभी 100 किलोमीटर रह गया। अच्छा 100 रह गए, 100 तय कर लिए। खैर से आपके अंदाजे कितनी देर में पहुँच जाएंगे? ए जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 11:30 तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह इसके अंदाजे से, लेकिन मेरे अंदाजे जो है कि मुझे पता है कि 12 बज जाएंगे। वो झूले भी हैं भाई, झूले भी हैं, आजा स्लाइड ले लें यार। नहीं नहीं स्लाइड नहीं लेनी, पींग लेंगे। चल भाई इधर आ। नचाई ध्यान भाई, इधर आओ मैं झूला दो, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी करो मैं झूला दो। चल 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 रेहान झूला दे, आए आए झूला दो, झूला दो ऐसे नीचे यार, नीचे तो नहीं छाई दिया जा, मजा नहीं आ रहा। ये देख अब, देख झूला दे यार, हीलिंग का मोटा का झूला दिए नहीं जा रहा, मैं भी वही कह रहा हूं। कब से चल खड़ा ऐसे, ये देना
मैं दूंगा तुझे ये अब आया तरीका ये पट्टी तेरे झूला ही नहीं देना आ रहा था ऐसे देते हैं झूला चलो यार चलो ठीक है निकलो तो यारो अब यहाँ से निकल रहे हैं यार से तकरीबन एक घंटे डेढ़ घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे क्योंकि बारिश हुई है तो स्लिपरी रोड है आराम से निकलेंगे मैं हेलमेट वगैरह पकड़ लो एक डेढ़ घंटे में पहुँचते हैं और फिर आपको जगह भी दिखाते हैं और फिर नज़ारे भी कराते हैं और एक जो सरप्राइज है वो भी बताते हैं ठीक है ये भी झूले थे कीड़ा निकलो भाई बैठो निकलो A few moments later. भाई जान मैं खैर से पहुंच गया हूँ अभी पहुंचा नहीं थोड़ी मैं रस्ते में था थोड़ी सी ड्राइव किया अभी पंप से हम निकले हैं थोड़ी सी ड्राइव पे लुक एट दिस यार बादल चेक करो आप लोग सारे वेदर मैं कहता हूँ मेरी मन पसंद वेदर हो रहा है ये दूसरा चांस है मेरा मेरे पसंद का वेदर है और अब मैं यहाँ पर रुका हूँ डाक चौंकी वजीराबाद ये कोई पता नहीं क्या उन्होंने वजीर की पता नहीं क्या है किला टाइप कुछ भी जो भी है आओ तो आप लोगों को दिखाता हूँ खुद भी देखता हूँ ये खैर से इसकी एंट्रेंस है और ये किला टाइप बना हुआ है भाई अब यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं और वो थोड़ा अंदर से लुक करा देता हूँ इसकी कि कैसा बना हुआ है कैसा नहीं बना हुआ फिर तो उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पे तस्वीरें लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से आगे को क्योंकि अभी रस्ते में मुझे लगता है आगे भी एक चीज जगह आनी है ऐसी काफ़ी प्यारी और फिर उसके बाद आगे रोहतास फोर्ट आना तो फिर वहाँ पहुँच गए आपको सारी लोकेट दिखाते हैं अभी फिर वगैरह यहाँ पे दो तीन तस्वीरें ले लें लोग थोड़ी बहुत तस्वीरें लेने के बाद थोड़ी बहुत क्या बहुत सारे तस्वीरें लेने के बाद आपको ये अंदर की लुक दिखा देता हूं ये अंदर का यार सारा सीन इसको कहते हैं डाका हाँ डाका मेरे ख्याल से डाक चौकी वजीराबाद की अभी हमने देख लिया अब अंदर आगे निकलते हैं और आगे चल के आपको मेन जगह भी दिखाते हैं अगर रस्ते में कोई जगह और आ गई तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा उससे पहले जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो कमेंट करो बेल आइकन और हम पहुंचते हैं और वहां जाके आपको अच्छे अच्छे नज़ारा भी कराते हैं और आज का जो सरप्राइज है वो भी वो भी देते हैं मेरे मुंह से निकल गया यार व्यू कमाल जगह कमाल ऑसम हो गया मज़ा आ रहा है ये देख रहे हो ना व्यू इस व्यू का मैं फ़ैन हूँ पहाड़ों का तो मैं वैसे ही फ़ैन हूँ पहाड़ आ रहे हैं आगे इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा अभी निकलते हैं यहाँ से और आपको पहुँच कर सारे नज़ारे कराते हैं भाई लोग ये ज़रा इस टाइम हमारी लोकेशन से तकरीबन 4-60 किलोमीटर पहले बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा तो अब मैं एक ढाबे पर हम रुके हैं इस टाइम बारिश इस टाइम ज़्यादा है तो मैंने कहा यार बाइक रोक लेते हैं पहले हम आहिस्ते से आते रहे बारिश तब नहीं थी अब बारिश तेज़ है तो मैंने कहा रोक लेते हैं अब यहाँ पे 10-15 मिनट देखते हैं आज आधा घंटा देखते हैं अब बारिश ना रुकी तो फिर हम वापस लाहौर की तरफ से निकलेंगे और अगर बारिश हो गई मतलब कि रुक गई तो हम आगे निकल जाएंगे ना रुकी तो फिर हम वापस लाहौर चले जाएंगे आज देखते हैं क्या करना क्या नहीं करना अभी हम लोग ढाबे पर रुके हैं 10-15 मिनट देखते हैं फिर उसके बाद आप लोगों को बताते हुए क्या सीन हुआ क्या नहीं हुआ व्यू चेक करो यार सामने चेक करो बादल कितने प्यारे लग रहे हैं कमाल है लोग अभी हम यहाँ पे रस्ते में एक बेकरी पे रुके हैं सरप्राइज ये था कि तलहा की है बर्थडे तकरीबन 2 दिन बाद सुन तो नहीं ना हाँ 2 दिन बाद उसकी बर्थडे तो हमने सोचा था सरप्राइज है ना और फिर कोई इसी ऐसी जगह जाके देना है जहाँ उसको पसंद भी है जगह तो डिसाइड कर ली थी बारिश में थोड़ा काम खराब किया हुआ तो बस जो चीज़ लेनी है वो लेते हैं और फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं आगे को चल रहे आना जा अंदर ये पकड़ाते हैं सही ओ पैसे दे दे हमने जाना अंदर 2 मिनट पर पैसे पकड़ अच्छा भाई जान केक तो हमने लिया नहीं 2 पेस्ट्रियाँ ली हैं और एक कप केक लिया बड़ा प्यारा था अब आपको मैं तस्वीर दिखा रहा था उसकी मैं तस्वीर लेना भूल गया था 1 मिनट से ये कप केक है और वो साथ में पेस्ट्री ये ले ली और चलते हैं पकड़ यार अब ये सिर्फ 2-3 चीज़ें और लेनी है उसके बाद यहाँ से निकलते हैं आगे यार अच्छा वो कोक लेना है उतरो नीचे वो वॉशरूम करना अच्छा फिर यहाँ से निकलते हैं और आगे पहुँच गया आपको मेन जगह पे मिलते हैं रजवा बेकरी से बॉब नहीं
स्नो स्प्रे और अनार कैंडल ले लिया, आराम से निकलते हैं और फिर फाइनल डेस्टिनेशन पहुंच के आपसे मिलते हैं। मोमर साहब लेने गए हैं तला साहब को, अब आते हैं तो दिखाते हैं आपको। अच्छा भाई आंखें नहीं खोली, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से यहाँ बैठो ये थ्री टू वन हैप्पी बर्थडे टू यू। ओए गाना तो लगा रहे हैं। हैप्पी बर्थडे डियर तलहा, हैप्पी बर्थडे टू यू भाई। हमसे नहीं आपको खिलाओ खिलाओ अभी ले दो, कहीं जा रही है। चलो अब आप भी आ जाओ, मुझे पकड़ा दो। चलो 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 खिलाओ खिलाओ खिलाओ। बिस्मिल्लाह तला भाई तो केक। ओ ये जी चलो 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 अगे मत बजी भाई यार। आगे चेक कर इसकी भाई। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। हमारी दुआ है कि आपको हर खुशी अल्लाह नसीब करे। दो मानी नु पैसे। चलो अभी केक वगैरह खत्म करते हैं, फिर आपको जगह दिखाते हैं कि हम अंदर आ गए थे क्योंकि जल्दी बहुत जल्दी हो गई थी, तो मैं फिर का मैं करता हूँ अभी। भाई केक हमने नहीं खाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार कैसा मजेदार मजेदार सेक्सी था ना वो है। एक बहुत मजे फ्री होते हैं, फिर आपको जगह दिखाते हैं। अभी हमने भी नहीं देखे, डायरेक्ट आ गए की है क्योंकि एक एक हाल दे रहे हो ना आप लोग, सारा लिबड़ गया था रस्ते में। हाँ तो ऊपर रख लिए थे रेहान साहब ने, तो उसने कुछ ना कुछ तो करना ही था। अभी इसको फिल्म का थोड़ी देर इंजॉय करते हैं और उसके बाद फिर आपको जगह भी दिखाते हैं और सारा कुछ करते हैं। चार चांद वाली गेट है वो, जैसे कि बोर्ड बता रहा है ये गेट है बंद है। आगे चलते हैं, आगे कोई जगह खुली होती है फिर आप लोगों को दिखा देते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं क्योंकि टाइम नहीं है। कॉल किया मम्मा को, कॉल नहीं हो पा रही क्योंकि यहाँ पे शायद नेट की प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। वायरस लगे जब खाना खाएंगे तब मम्मा को कॉल कर लेंगे और उनको फिर एक आधी वीडियो भेज देंगे या फिर घर जाके वीडियो आराम से उनको दिखा देंगे। अभी निकलते हैं यहाँ से। ये है भाई किले के अंदर वाली हिस्सा, और अब वो सामने भी है रस्ता, वो भी है वो भी है, ये सारी जगह है। और अब ये देखो ये ऊपर का रस्ता, ऐसे यहीं से वीडियो बना के निकलते हैं। देखो अंदर का हिस्सा, पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं इन लोगों के दिमाग है क्या है पता ही नहीं भाई। ओए होए 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 लेवल ये चेक करो, आए हाय 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 वो सामने वाम चढ़ी है। और ये ऊपर भी आओ, ऊपर भी चेक करो। ये सारा यहाँ का जो भी हम ऊपर चढ़ के आए हैं, अब इसके ऊपर फिर देखते हैं, ऊपर जा के भी आपको दिखाता हूँ। देख यार कमाल है व्यू, नाइस व्यू आगे का देख। ये नीचे हमने रस्ते में देखा था। अच्छा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हवेली मांग सिंह वो सामने, ये रानी महल ये सामने। वैसे इसने गलत तो नहीं किया, ये कब से बना हुआ तकरीबन लिखा नहीं हुआ, आई थिंक लिखा होता तो मैं आपको जरूर बताता। ये तकरीबन बहुत साल पहले का बना है, लेकिन उसने रानी का महल इतना छोटा क्यों बनवाया? एनी गैस?
बताओ आप लोगों को पता है, मुझे बताओ, मैं अगर हिस्ट्री देखने गया तो बहुत टाइम लग जाना क्योंकि हमने यहाँ से निकलना भी, अभी वापस भी जाना है। तो आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर लाजमी मुझे बताओ कि इसने रानी का महल इतना छोटा क्यों बनाया। ओके, बाकी दो तीन जगह है वह दिखाते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। महल का व्यू है यार, ये घाटी नीचे होते कोई रास्ता जा रहा है, मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी ये सीधा सामने वो देख रहे हो, वो सारा शहर है, ये जिधर तक उंगली जा रही है सारा शहर है। वेदर भी कमाल का हुआ है, लाइट लाइट सी बारिश है, ज़्यादा नहीं। ये बादशाह मॉस्क्यू बता रहा है वो यहाँ से नीचे होते जाएंगे तो वहाँ पे आ जाएगी, और दूसरा आ रहा है बादशाह गेट और कबली गेट, वो भी यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आ जाएगी। पहले वक्त हम वहाँ पे नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं ऊपर हवेली मांग सिंह, यहाँ पे रुकेंगे थोड़ी देर, और उसके बाद फिर अगर एक दो जगह और होगी तो वो देख कर फिर यहाँ से निकलेंगे। कमाल की जगह यार, टाइम नहीं है अपने पास, नहीं तो आपको पॉइंट टू पॉइंट जगह दिखाता, पॉइंट टू पॉइंट। मैंने फिर भी कोशिश की है पॉइंट टू पॉइंट बताने की, बट फिर भी जो भी चक्कर, मैं पॉइंट टू पॉइंट इतना ज़्यादा नहीं क्लियर कर सकता क्योंकि जगह माशाल्लाह बहुत बढ़िया इन्होंने किसी चीज़ का कोई भी। हाँ मैंने बनाई उसकी वीडियो, उसकी दिखाई नहीं बस। चलो ठीक है, अच्छा अब उसकी दिखाऊँ फिर। ये सामने देख रहे हो पानी, ये पानी जमा हुआ है सिर्फ बारिश की वजह से। बारिश यहाँ पे कितने दिनों से हो रही है, कितने दिनों से नहीं हो रही, अभी हमें कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में। अब हम सिर्फ यहाँ पे स्टेयर्स चढ़ेंगे और आपको ऊपर जाकर क्या था मान सिंह का जो भी है वो दिखाते हैं। आ जाओ रेहान, टाइम नहीं, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, टाइम नहीं है फिर, वक्त ऊपर चलते हैं आपको फिर ऊपर चल के दिखाते हैं सारा कुछ। अच्छा अब ऊपर से पहाड़ी से उतर गए हम, नीचे आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं अंदर फांसी घाट। एक मिनट, ये भाई फांसी घाट, अभी इधर ऊपर जा रहे हैं, ये फिर ऊपर जा के आपको दिखाते हैं। वो सामने से भी हम आए, फिर उसके बाद यहाँ आए, उसके बाद आपको मैंने ये जगह दिखाई कि जहाँ बारिश का पानी, लेकिन ये बारिश का पानी नहीं कुछ हो रहा है। अब यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, रेहान साहब कह रहे हैं यहाँ से ऊपर का व्यू बड़ा अच्छा है, देख लेते हैं भाई, मान लेते हैं भाई की बात, ऊपर चल के देख लेते हैं। आप लोग कहते कि बता ओए आह, ये हुई ना बात, हेवन है जन्नत, असली जन्नत। यार जियो, ध्यान क्या ढूंढ लिया आपने, आई लव यू। ये सारा नजारा भाई यहाँ का बड़ा अलग माशाल्लाह बहुत प्यारा है। दूर ही रहते हैं तस्वीरें लेने के लिए यहाँ पे आए, तस्वीरें ही लेनी है, कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करनी, अगर घर पता लग गया ना तो खत्म हो जाना। यहाँ से खड़े हो दरमियान में और ऐसे ये पोज, ऐसे मैं इनको पोज बता दूँ और तस्वीरें ले लूँ, फिर उसके बाद आपको आगे की जगह दिखा दो। एक दो प्लेस हो रहा है वो देख के फिर हमने यहाँ से निकल जाना क्योंकि 10 मिनट रह गए, 10 मिनट से ज्यादा हमें रुकना ही नहीं है। ये ठीक है मोहम्मद भाई, देख लो यार जो तुम्हें पसंद है ले लो, इतने ज्यादा क्या कर रहे हैं, चलो ले चलो। ओ यार ना कर रहे हैं, तू एकदम पागल ही हुआ था, गजब बेइज्जती है, पागल है। ये ले, ये भी रख ले यार, ये देखो यार हम यार चोरी करके जा रहे। ओए ये क्या था, ओए ध्यान है, ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था भाई, मैं कह रहा हूं पीछे लिख के लगा दो। क्या कहती थी रानी, दोबारा दोबारा कहती थी, हां आगे ये टूच टूच चल ये ओए रेहान ये टूच टूच अच्छा था यार। अच्छा जी अब यहाँ से निकल रहे हैं और फिर उसके बाद कहीं रास्ते में कोई जगह हुई तो आपको लाजमी दिखाएंगे, नहीं तो फिर खाना खाने के टाइम ही अब आपको अपनी शक्ल दिखाएंगे। पहुँचते हैं इंशाल्लाह, पहुँचते हैं खाना खुना खाते हैं और उसके बाद फिर घर की तरफ रवाना होते हैं। बोतल पियो बस, बाद में बात करते हैं। अभी हम अपने घर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर हैं और KFC पहुँच चुके हैं, वो दोनों तो अंदर जा चुके हैं, हम भी अंदर चलते हैं खाना वाना खाते हैं और फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। हम KFC तो गए थे खैर से, बट रश बड़ा था और दूसरी चीज़ सिटिंग है नहीं थी, मुँह हाथ तो आया, मैंने कहा शायद सिटिंग बन जाए लेकिन टाइम नहीं मिला, निकलते हैं अब।
KFC है हमारे मोहल्ले में, वहाँ चल के खाते हैं क्योंकि मैकडोनल्ड का भी मैंने देखा है, मैकडोनल्ड में भी पिज्जा नहीं है, हमने पिज्जा खाना है तलहा भाई ने फिंगर बर्गर नहीं खाना। 2000 years later. अल्लाह रहमान रहीम, खाना अपना आ गया। मजा खाना खा लेते हैं यार। शहर से खाना वाना खा लिया अपना, आज का सारा सीन था वो भी कर लिया, तलहा को बर्थडे सरप्राइज भी दे दिया, जो जगह जाना था वो जगह से हो भी आए, खाना भी खा लिया, हर चीज़ कर ली। अब इसको तो करते हैं एंड, उम्मीद करता हूँ आज को लोग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा कैसा नहीं लगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखते हैं, मुलाकात कल एक ब्रांड न्यू लोग के साथ, कल या वो जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाँव का हाल इतना शदीद बुरा, बारिश की वजह से पूरे पाँव गल से गए हैं, अब कोई क्रीम वगैरह लगाते हैं इसको सही करते हैं, तो रात से भी मिलते हैं बहुत जल्द अपने एक न्यू सब लोग के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।